हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल रात मुझे पता चलता है कि हमारे फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। बेसिकली आए वो 20 दिन पहले ही थे, बट कल रात मुझे पता चल रहा है। और मैं अभी भी सुबह उठाऊँ, थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि पास किया हूँ या फेल, कितना SGPA बना है। वैसे ज़्यादा कुछ उम्मीदें तो मुझे है नहीं, बट स्टिल लेट्स सी। सो मैं अपने कॉलेज के पोर्टल में हूँ, JUMS के पोर्टल में। अब मुझे रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है एंड देन चेक करना है। तो जल्दी से मैं वो सारी चीज़ें डाल देता हूँ। अब ये लॉगिन हो चुका है। अब मुझे और सेमेस्टर सिलेक्ट करना है बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है हमारा, तो और सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब और सेमेस्टर का पेज भी खुल गया है, सो हम फ्यू सेमेस्टर ग्रेड कार्ड कर देते हैं और रिजल्ट आ रहा है हमारा, अभी भी आ रहा है। One eternity later. खुल जा भाई। सो फाइनली पेज खुल गया है एंड मैं पास कर गया हूँ अपना फर्स्ट सेमेस्टर और मेरा SGPA बना है 9.22, जो कि टोटली अनडिजर्विंग है। ऐसे तो यार मुझे पता नहीं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस करके एंड ऑनलाइन सेमेस्टर देके हमें जो SGPA या फिर CGPA मिल रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वर्थ क्या है कंपनीज़ के लिए, अगर मैं प्लेसमेंट के सिनेरियो से बात करूँ। बट मेरे सीनियर्स ने बोला था 8.5 CGPA मेंटेन करो और मेरा वो मेंटेन हो चुका है, तो आई एम रियली हैप्पी। वैसे आई एम नॉट गोना डिनाई कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा फर्स्ट ईयर, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन निपट गया। बट सेकेंड ईयर से आई रियली विश कि हमारे क्लासेस फिर से ऑफलाइन स्टार्ट हों, क्योंकि सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑफलाइन होते तो और भी बढ़िया होता, क्लासेस ऑफलाइन होते तो और भी बढ़िया होता, लैब्स वगैरह। तो आई रियली विश कि जितना जल्दी हो सके सेकेंड ईयर से हमारा क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन फिर से स्टार्ट हो जाए। जो लोग JUMS साल नए आए हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, उनके लिए इस सिलेबस का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। JU की ऑफिशियल साइट से भी तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली तुम्हारे ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, देख लेना यहाँ से, मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारे ये सारी चीज़ें हैं, अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लेना। अब बात करते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट योर CGPA इज़। जो लोग अभी अभी कॉलेज में आए हैं उनके दिमाग में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा, मेरे दिमाग में भी था कि एक अच्छा CGPA मेंटेन करना क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं उसको निगलेक्ट कर सकता हूँ, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो पढ़ूँ, कॉलेज के जो बेकार सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा मैं साइड में रख दूँ, क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होता है। सो मैं तुम्हें बेसिकली वही बताऊँगा जो मेरे सीनियर्स ने बताया था और बाद में जाके मुझे भी धीरे धीरे पता चला कि ऑब्वियसली यस, CGPA डज मैटर्स, ठीक है। स्पेशली अगर तुम बाद में जाके हायर स्टडीज़ ऑप्ट करते हो तब तुम्हारा CGPA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम कैट देने के बारे में सोचते हो या फिर फॉरेन में जाते हो हायर स्टडीज़ के लिए, तब CGPA तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्लेसमेंट सिनेरियो से अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ भी कभी कभी एक कट ऑफ रख देती हैं कि 8 या फिर 8.5 CGPA अबव जिन लोगों का है उन्हीं को वो कोडिंग राउंड में अलाउ करेंगे। तो उस टाइम पे भी अगर तुम्हारा CGPA कम है तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए कम से कम 8.5 अबव अपना CGPA रखना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि उसके बाद मुझे 9.2 मिला है। मुझे 9.2 इसलिए मिला क्योंकि ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ, ठीक है, और ये मानने में मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। बट तुम लोगों का अगर ऑफलाइन सेमेस्टर हुआ तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एंड 8.5 मेंटेन करना, ठीक है। उससे नीचे अगर गिर गया तो तुम लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं प्लेसमेंट्स के टाइम, और हायर स्टडी अगर तुम करना चाहते हो उस टाइम पे भी तुम्हें दिक्कतें आएंगी। अब ऐसा मत समझ लेना कि CGPA ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि पहले तो अपने इंटरेस्ट को ढूंढना कि तुम किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, कौन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद उसके ऊपर काम करना, ठीक है। स्पेशली नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद CGPA आता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि CGPA को कभी बिल्कुल ही नेगलेक्ट मत कर देना, एक मिनिमम CGPA तुम्हें ज़रूर से मेंटेन करना है। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके मुझे बता दो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टाटा।